और दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर एक्सपोज ज़्यादा चल रहा है। गौरव जोन को आप जानते हैं सभी लोग, गौरव जोन और एंडी गुर्जर, इन दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से ये एक्सपोजिंग का सिस्टम चल रहा है। एंडी गुर्जर गौरव जोन को एक्सपोज कर रहा है, जबकि एंडी गुर्जर गौरव जोन का बहुत अच्छा दोस्त था। ये सब दिल्ली में रहते हैं। अभी भाई ने कुछ टाइम पहले गौरव जोन के बारे में वीडियो बनाई थी, जो पुलवामा अटैक हुआ था उसका पैसा गौरव जोन ने खा लिया, वहाँ नहीं गया, इस तरीके से उसने वीडियो एक्सपोज करके गौरव जोन की वीडियो डाली, जबकि ऐसा रियल में था नहीं। गौरव जोन ने उस पैसे को ट्रांसफ़र किया है, उसने अपना प्रूफ भी दिया था। फिर बाद में एंडी गुर्जर ने एक और वीडियो बना दी कि उसने किया, पैसा वापस किया। बहुत सारी बातें, बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पर गौरव जोन को लेकर। मैं आप लोग को बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, मेरी समझ में ही नहीं आ रहा कि इन लोगों को एक्सपोज करने से मिलता क्या। कुछ सब्सक्राइबर के लिए किसी की लाइफ को स्पॉइल कर देते। गौरव जोन है, मानता हूँ उसने पैसा लेट किया, कुछ भी किया। उसने फ्लाइंग बीस्ट के बारे में कहा, बोले आ रहा है कि फ्लाइंग बीस्ट के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में काफ़ी चीज़ें कही हैं, बहुत सारी बातें कही हैं। तो गाइज़ मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि उस बंदे ने पब्लिकली तो नहीं कहा, उस बंदे ने, उसका फ्रेंड है एंडी गुर्जर, फ्रेंड था अब नहीं है, उसके पास जाकर यार मेरी लाइफ है, हर किसी की लाइफ है, कोई पर्सनल बात कर सकता है। तो ये थोड़ी ना है कि आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर अपने यूट्यूब पर डालो, उसको एक्सपोज करो, बहुत सारी चीज़ें करो, कंट्रोवर्सी करो, उस बंदे की लाइफ तो स्पॉल हो जाएगी ना। क्योंकि उसने आपसे कहा, वो फ्रीली उसकी लाइफ है यार, वो क्या क्या बातें, कितनी सारी बातें करता है। ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हर बातें वहाँ शेयर की जाए। अब फ्रेंड हो, मेरे को सबसे ज़्यादा गुस्सा एंडी गुर्जर पे इसलिए आया कि एंडी गुर्जर उसका अच्छा दोस्त था, उसने उसकी रिकॉर्डिंग कर डाल दी। यार ऐसे तो कोई दोस्ती वैसे भरोसा ही उठ जाएगा, कोई लोग ना दोस्त बनाएगा ना कुछ करेगा, कोई अपनी पर्सनल बात भी शेयर नहीं कर सकता। तो अपने व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए आप उसको एक्सपोज कर रहे हो, और आपने बोला कि मैं इसकी एक व्यू डालूंगा, उसने पैसों का भी प्रूफ दिखाया आपको, मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, फिर भी उस बंदे ने उस स्क्रीनशॉट को देखने के बाद बोल दिया था कि मैं इसको ट्रिम कर दूंगा, पार्ट को जो एक्सपोज का सिस्टम किया गया है, मैं इसे ट्रिम कर मैं इसे कट कर दूंगा, मैं इसके बाद कोई नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूंगा। फिर भी इस एंडी गुर्जर बंदे ने 4 वीडियो लगातार उसकी डाली हैं। क्या यार तुम अगले का कैरियर चौपट कर रहे हो उसके। जानता हूँ कि गौरव जोन पहले से ही कंट्रोवर्सी में रहा है, बहुत सारी बातें उसकी चलती आ रही हैं, फिर भी यार ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी की लाइफ को स्पॉइल कर दो, इस तरीके से उसे एक्सपोज कर दो कि लोग बाग उसको हेट करने लगे, उसके सब्सक्राइबर भी और जो आने वाले सब्सक्राइबर है सब चीज़ें उसको हेट करें। आपने तो एकदम से उस बंदे का करियर ही फ्लॉप कर दिया, वो डाल नहीं पाएगा वीडियो, उस पर लाइक से ज़्यादा डिसलाइक आ रहे हैं उसके। अभी उसने कुछ टाइम पहले वीडियो डाली, उस पर 76,000 से ज़्यादा डिसलाइक किए, जबकि उसके लाइक 23,000 है। क्या यार क्या कर रहे हो आप लोग, एक्सपोज सिस्टम का रखा यार। पहले देखो क्या है क्या नहीं है, फिर तब करो ना यार। वो पब्लिकली किसी के बारे में बोले, कुछ ही बोले, तब तुम करो ना यार। जब पब्लिकली किसी के बारे में नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा, फिर भी आप उसके साथ ऐसा कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हो। ये एंडी गुर्जर के बारे में भी मैंने काफ़ी डिटेल्स का निकाली थी, एंडी गुर्जर के अभी जब इसने वीडियो डालने से पहले इसके 40,000 से भी कम, 35,000 उसके सब्सक्राइबर थे। जब उसने ये एक्सपोज का सिस्टम स्टार्ट कर दिया, गौरव जोन के लगातार व्यू डाल लगी, तो उसके आज 94,000 के सब्सक्राइबर हो गए, और एक मुझे लगता है शाम तक या कल तक उसके 1,00,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाएंगे। सब्सक्राइब तुम, मैं कहता हूँ चलो तुम सब्सक्राइबर उसके वीडियो से बाहर हो, चलो अभी कर रहे हो, आने वाले टाइम पर क्या वो सब्सक्राइबर गौरव जोन के चक्कर से आए ना, अभी वो तुम्हें नहीं देखे, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हें तो एक्सपोज कर लिए, एक्सपोज करके तुम्हारे सब्सक्राइब बढ़ा लिए, व्यूज़ आ गए। क्या ये व्यूज़ हर वीडियो पर आएंगे जो तुम खुद की वीडियो डालोगे। ये तो सोचो यार, किसी को एक्सपोज कर रहे हो यार, कुछ तो देखकर करो ना। डायरेक्टली तुम किसी का करियर चौपट कर रहे हो और कह रहे हो तुम, ये गलत बात है। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था, ये 4-5 दिन से चलता आ रहा है। मैंने कहा यार, मेरा मन नहीं था इस पर वीडियो बनाने का, फिर भी मैंने कहा यार कि लोगों को मालूम पड़ना चाहिए यार कि आदमी फ्री है यार, अपने आस पास कौन क्या क्या बातें करता है। ये थोड़ी ना कि तुम उसकी क्लिपिंग बनाकर उसको डाल दोगे। यार उसने प्रूफ भी दे दिया, फिर भी तुम उसके बारे में वीडियो पर वीडियो बनाए जा रहे हो, और आप उसके अच्छे खासे दोस्त हो, फ्रेंड हो, आसपास में रहते हो। अब माहौल क्या होगा, क्या चीज़ें होंगी, ये तो सोचना चाहिए लोगों को। पर नहीं, एक्सपोजिंग से सिस्टम करना है सबको, और व्यूज़ कमाने हैं, पैसे कमाने हैं। गलत है यार, मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैंने यार कल से देख रहा हूँ काफ़ी चीज़ें, कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि आज गौरव जोन के लिए कर रहे हैं। यार किसी को समझो, देखो, तब उसको करो ना, जो सच है उसको डालो, और जो नहीं है उसके ऊपर भी आप एक्सपोजिंग सिस्टम कर रहे हो। बस गाइज़ मैं तो यही सिस्टम था मैं बताने जा रहा था कि यार लोग अपनी लाइफ में क्या क्या करते हैं क्या नहीं करते,
जो गलत कर रहा है वो गलत करेगा, जो सही कर रहा है वो सही करेगा। अरे यार, जब तुमने किसी से बोला है कि मैं तुम्हारी वीडियो एक डाल दूँ, डिलीट कर दूँ, तो वो काम जिस चक्कर में आपने वो वीडियो बनाई थी वो काम भी उसने कर दिया, तो आपको कुछ तो सोचना चाहिए ना किसी करियर के लिए। तो गाइस, बस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कल परसों में, तो आप देखना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।